हेलो गाइस, वेलकम टू रिव्यू वर्ल्ड। 2006 में स्टार्ट हुआ मीटू मूवमेंट एक ऐसा मूवमेंट था जिसने वुमेन्स को अपने साथ हुई एट्रोसिटीज के खिलाफ आवाज उठाने का एक मौका दिया। पर जैसे जैसे ये मूवमेंट पॉपुलर हुआ, इसकी ऑथेंटिसिटी पर भी बहुत से सवाल उठाए गए। इसी चीज को करण जौहर की प्रोड्यूस करी हुई लेटेस्ट मूवी गिल्टी में दिखाने की कोशिश करी है। नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई गिल्टी मूवी का प्लॉट सेंट मार्टिन्स कॉलेज में मौज मस्ती करने वाले एक दोस्तों के ग्रुप के अराउंड लिखा है। इस ग्रुप में शामिल है नानकी, जिनका रोल करा है कियारा अडवाणी ने, विजय, हार्डी और ताशी। इन चारों की लाइफ पूरी तरह से तब बदलती है जब तनु नाम की एक लड़की नानकी के बॉयफ्रेंड विजय को रेप के लिए अक्यूज करती है। मूवी की स्टोरी इस सवाल के चारों ओर घूमती है कि आखिर 14 फरवरी की रात को एग्जैक्टली हुआ क्या था। इसके अलावा मूवी का फोकस कॉलेजेस में रिच क्लास स्टूडेंट्स और छोटे शहरों के स्टूडेंट्स के बीच में जो प्रॉब्लम्स होती है उसके ऊपर भी थोड़ा सा किया है। अब बात करते हैं एक्टिंग की। सबसे पहले अगर कियारा आडवाणी के लुक्स की बात करी जाए तो आपको इस मूवी में कबीर सिंह के बाद इनका जबरदस्त ट्रांसफॉर्मेशन देखने को मिलेगा। इनके लुक्स एक आर्टिस्ट से काफी अच्छी तरह मैच करते हैं। मूवी में मेन स्टोरी से डिविएट होकर इनकी लाइफ के ऊपर भी काफी फोकस करा है। इनको बाहर से काफी बोल्ड और स्ट्रांग दिखाया है, पर इनका एक डार्क सीक्रेट भी है जिसकी वजह से मूवी में काफी ट्विस्ट आते हैं। नेक्स्ट, इस मूवी के लीड एक्टर गुरफतेह सिंह, जो विजय के रोल में है, ये एक स्ट्रांग पॉलिटिशियन के बेटे हैं जिनके ऊपर रेप के चार्जेस लगे हैं। इनकी एक्टिंग की बात करी जाए तो इनकी एक्टिंग बाकी के साइड एक्टर्स की तरह ही नॉर्मल है। मूवी में ताहिर शबीर भी हैं जिन्होंने एक लॉयर का रोल करा है। इनकी परफॉर्मेंस काफी अच्छी है और मूवी में आपको एंगेज करके रखेगी। इस मूवी की सबसे बड़ी USP है, इसमें आपको हमारी सोसाइटी के लगभग हर टाइप के लोगों की रेप और मीटू जैसे सेंसिटिव इश्यूज के बारे में ओपिनियन पता चलेगी, और शायद इन्हीं ओपिनियंस के बीच में आप अपनी भी ओपिनियन रिलेट कर पाएं। अब अगर नेगेटिव्स की बात करी जाए तो मूवी में रेप विक्टिम तनु के ऊपर काफी कम फोकस करा है और इनको ऑन स्क्रीन टाइम भी काफी कम मिला है। सो गाइस, ओवरऑल ये मूवी कोई टॉप क्लास सस्पेंस थ्रिलर नहीं है। ये मूवी एक फिजिकल रिलेशनशिप में कंसेंट को मेनली हाईलाइट करती है, जिसको प्रेजेंट सिनेरियो में स्टूडेंट्स और यंगस्टर्स को समझना बहुत जरूरी है। सो गाइस, आप मूवी के बारे में अपने थॉट्स नीचे कमेंट सेक्शन में बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और ऐसे ही रिव्यूज के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैं मिलूंगा आपसे बहुत जल्द नेक्स्ट रिव्यू में। तब तक के लिए टेक केयर।